और हमने इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाई है, हमने इनको यादों में परोया है। हेलो दोस्तों, आज बेसिकली ये ब्लॉग ना मतलब बहुत ही एक तरफ खुशी भी है एक तरफ गम भी है कि कॉलेज खत्म हो गया, इस चीज़ की खुशी है और कॉलेज खत्म हो गया इस बात गम भी है, दोनों ही है। चार साल निकल चुके, कंप्लीट हो चुके हैं, आज लास्ट है। आज के बाद फिर हमारा कॉलेज जाना एक तरीके से हमारे ऊपर बैल लग जाएगा फोर्थ ईयर स्टूडेंट को, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है हम यहाँ से निकल चुके होंगे। तो आज ही लास्ट है और आज ही लास्ट डे का ब्लॉग बन रहा है कॉलेज का, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। और ये जो शर्ट अभी इतनी साफ सुथरी दिख रही है वो हो सकता है शायद अब कॉलेज के आए जब वापस आ रहे हो घर पर तब शायद इतनी साफ सुथरी ना रहे, वो तो आगे आप देख ही लेंगे। चलो जल्दी फिर स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। तो बेसिकली चार साल कैसे भी थे ये तो मैंने नहीं बता पाया, लेकिन मेरे पास टू ईयर्स कैसे भी थे ये मैंने जरूर आपको बता दिया। बेसिकली आज जो है प्लेसमेंट है और प्लेसमेंट डे के सेलिब्रेट करने के लिए आज गेस्ट बुलाए गए हैं, वो हैं श्री विष्णु दत्त शर्मा जी जो कि प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के एमपी के। तो बेसिकली सभी बच्चों की यहाँ पे मतलब फ़ोटो लगाई गई थी प्लेसमेंट के तौर पे, और यहाँ पे लगा हुआ है मेरा फ़ोटो दिखाएगा मिलिंद जाटव 5.82 पैकेज। बेसिकली मैंने कंपनी बड़ी मुश्किल से मतलब प्लेसमेंट निकाला था, खैर अच्छा लगा देखकर। सिग्नेचर डे, सिग्नेचर कर लो या कुछ भी अच्छे अच्छे थॉट्स लिख दो या फिर कुछ भी लिख दो, वट एवर डिपेंड्स ऑन यू। मैं लास्ट है तो अपनी शर्ट भी थोड़ी अच्छी खासी काली करवा लो। तो अभी पूरी शर्ट थोड़ी काली पीली होने के बाद थोड़ा सा इनके भी जरा डेकोरेशन होने के बाद हम मिलने आए चंचल दीदी से, शिवानी दीदी से मिलने भी आए और अंशका दीदी से मिलने। ये चार साल कैसे निकाले मैं सबको बता दूँ, वो भी 20 सेकंड। भाई ये देखो ये हो रहा है, ये ऐसी लाश जो पागलपंथी इनका तो फिर भी ठीक है। भाई 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 देख रहे हो शर्ट फाड़ के कॉमेडी, भाई फट चुकी है, भाई फट चुकी है, फट चुकी है, फट चुकी है ऑलरेडी। फाइनली पूरा चीर हरण करने के बाद शर्ट की बैंड देखो कैसी बजी पड़ी है, देख रहे हो कैसे पटी पटाई लगी हुई है। और हमने इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाई है कि ये हमने इनको यादों में परोया है, इस चीज़ को यादों में परोया है, ये पता नहीं कब हटेगी लेकिन हमारी ये मेमोरीज है जो इस चीज़ में ज़रूर कैप्चर हो चुकी है। और ये देखो एक और शर्ट दिखाता हूँ, देखो 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 एक और शर्ट, भाई कैसी हालत हो चुकी है। फाइनली अब सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट हो चुका है, इसके दिन दो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहले साइड के बारे में बात करूँ उस साइड तरफ तो आपको देखने को मिलेगा ये सारे के सारे प्लेस स्टूडेंट हैं, एंड दूसरे साइड अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये है जूनियर्स जो यहाँ पर सारे के सारे बैठे गए और ये सारा सेटअप है। और ये रहा स्टेज जहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अभी उसमें मजे आने वाले हैं ठीक। तो बेसिकली यहाँ तक पूरी सीट्स फुलफिल की गई हैं, कुछ लोगों की शर्ट ऐसी हो चुकी है जिन पर मतलब पूरा भाई बैंड बज गई है, पूरे नाम लिख लिख कर भयंकर एंडिंग तक वहाँ बैठे हुए हैं, लोगों को गर्मी लग रही है तो अब वो अपना कूलर वाला स्पेस रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप पूरी तरह से कूलर के मजे ले रहे हैं। बाकी हम हैं यहाँ पर जो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं इस तपते हुए सूरज के साथ, और साथ ही साथ ये ब्लॉग अमेजिंग सा ब्लॉग जो कि लास्ट मेरा ब्लॉग है इस कॉलेज का, इस कॉलेज के साथ जितनी भी यादें थी वो सभी चीज़ें इसी ब्लॉग में ख़त्म हो रही हैं, और ये अमेजिंग ब्लॉग मतलब क्या ही कहा जाए। और
सच कहूँ तो शब्द नहीं है मेरे पास। बेसिकली ये एक बहुत लंबी लाइन है, आपको धीरे धीरे पर जाना है स्टेज पर, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा एंड देन यू हैव टू कम बैक ऑन योर सीट। इस तरीके सारे अरेंजमेंट चलेंगे, तो अभी क्या धीरे 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 चीज़ें स्टार्ट होंगी। चलो यार फाइनली प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, अब यहाँ सर्टिफिकेट वगैरह मिलना चालू हो जाएंगे और यहाँ पे गेस्ट खड़े हुए हैं। अब बारी आने वाली स्टेज पे जाने की और स्टेज पे मिलेगा हमें सर्टिफिकेट, ठीक है? सो लेट्स सी। तो इस बिल्डिंग को 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब हमारे साथ हमारी इन आवाज़ों को सुने हुए। लास्ट ब्लॉग प्रियंका सुनो सुनो, कुछ कहना चाहेगी 4 साल के लिए? बाय बाय, बहुत मिस करेंगे इस कॉलेज को, फ्रेंड्स को, सबको, बाय बाय। तो 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब इस कॉलेज में नहीं आना होगा सच कहूँ तो, बहुत रेयर चांस होगा जहाँ पर हम बुलाया जाएगा, या फिर कभी एलुमिनी में मिले गॉड नोज, रीयूनियन में मिले गॉड नोज, लेकिन ये कॉलेज की यादें, ये सभी मेमोरीज़ ये इन ब्लॉग्स में कैप्चर हैं। और अब यहाँ से एक नई लाइफ स्टार्ट होती है हमारे स्टेज से, मतलब एक नया चीज़, एक पता नहीं कैसे बयां किया जाए, 4 साल कैसे निकले, कितनी मस्ती में निकले, कुछ अता पता नहीं चला सच कहूँ तो, मतलब एक अलग ही फीलिंग थी। और अब वो टाइम आ गया कि मतलब अब निकलना होगा, बाहर निकलना होगा, इस चीज़ के साथ आपको एक नया फ्लाइंग कलर्स के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, और वो वक्त आ गया है। अच्छा लगा, जितने भी बंसलाइट्स थे, जितने भी टीचर्स थे, उन्होंने सबने बहुत सपोर्ट किया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और सच कहूँ तो मतलब ये जो हमें एक अमेजिंग ट्रिप थी वो बहुत मज़ेदार थी सच कहूँ तो, इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास, मतलब ये कुछ फीलिंग्स नहीं निकल पा रही इस टाइम में सच कहूँ तो, इतना इमोशनल हो गया। सब कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ मिला है इस कॉलेज से, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये इस कॉलेज की बस की लास्ट राइड विद माय फ्रेंड, गुड फ्रेंड तरुण, कॉलेज फ्रेंड। Thank you.